हेलो दोस्तों, मैं इसके बनान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा, जैसे हमारी सीरीज चल रही है आरएस अग्रवाल की और उधर दिल्ली पुलिस की चल रही है, तो दोनों सीरीज को हम एक साथ लेके चल रहे हैं कंबाइंड। जिन बच्चों का एग्जाम दिल्ली पुलिस का है वो दिल्ली पुलिस वाली वीडियो देखो, और जिनका एग्जाम अदर है, कोई सा भी और एग्जाम है, आपका एसएससी का एग्जाम हो या आपका कोई भी और एग्जाम है यूपीएसआई का, तो बेटा वो आप दिल्ली पुलिस वाली वीडियो केवल दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए है। नुकसान में से किसी का नहीं करेगी, वो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगी 40 वीडियो में हमारी। और खास तौर पर वो दिल्ली पुलिस के सिलेबस को देखते हुए और दिल्ली पुलिस के जो पैटर्न है एसएससी का उसे देखते हुए उसी के तर्ज पर वीडियो है। 5 वीडियो आपने देख ली होगी और साधारण ब्याज की लास्ट वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आपने देख ली होगी, ये लास्ट वीडियो है। और इससे पहले हमने वो 22 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे, 23वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सभी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो टाइप में बताए थे उन्हें छोड़ के, और सारे क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं आरएस अग्रवाल की। और यदि बेटा आप अभी नए हो, दोस्त हैं हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट है, तो यदि आप नए हो किसी के माध्यम से भी आप पे पहुंची ये वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में अभी हमारे शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को यदि हमारी पढ़ाई अच्छी लगेगी और पूरी ताकत लगा देंगे दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए और अदर के भी लिए, यूपीएसआई के भी लिए कोई। पर पहले आरएस अग्रवाल चल रही है तो इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे साइड साइड में सब जोड़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कह रहा है कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज पी बराबर 10,000 रुपए, आर बराबर 6% और टाइम बराबर कितना, और साधारण ब्याज हो जाता है 450 रुपए। तो कह रहा कितने समय में हुआ होगा, क्लियर है भाई कितने समय में हुआ होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, चाहो तो आप लिख लो, नहीं मतलब ना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि कितना है 450 रुपए, पे कितना है 10,000, टाइम कितना है आपका ज्ञात करना है, और दर कितनी है 6 और बटे 100। दो जीरो से ये दो जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, पांच से काट लो, पांच से कटोगे, पांच नहीं 45 और पांच दूनी 10, दो से काट लो, तीन से काट लो, तीन से दो बार, और तीन से कटेगा ये कितनी बार कटेगा, तीन से तीन बार, क्लियर है भाई। तो 3/4t या 3/4t, 3/4t, इसे भी ऐसे करके लिख सकते हैं 3/4 बराबर t, 3/4 × 12 बराबर t, 4 × 12 t बराबर कितना होगा 9, t बराबर कितना होगा 9। बात समझ आ गई, क्लियर है। 4/3 तो दिखा दे रहा है, 4/3 को क्या लिख लो, 12 से गुणा करोगे तो कितने माह आएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस वीडियो में सभी सारी कंप्लीट वीडियो है, इस बाद में मतलब साधारण ब्याज की इन 4 वीडियो से बाद में कोई एग्जांपल भी है और आपके क्वेश्चन भी 4 वीडियो से, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, पर बेटा आता है ब्याज में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन। 24 कह रहा है, मैंने करा दिया था टाइप में, 25 भी करा दिया था, फिर भी मैं करा रहा हूँ, 24 करा दिया था भाई टाइप में बता के बताया मैंने, इस टाइप क्वेश्चन करा रखे पर 25 करा रहा हूँ। वो कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से 1/2% से 8% कर देने पर 40.50 रुपए का अधिक वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन बताओ। 40 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब पहले 6.5% दर थी, फिर 8% कर दी, 6.5 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 1.5% बच रहा है। फिर भी यहाँ देख लो, 3/2 बचेगा, इसकी इसमें गुणा करोगे और ये 16 है, तो 3/2% की वैल्यू किसके बराबर है 40.50 के, तो 100% बराबर कितना 40.50 × 100/3 × 2, पॉइंट से पॉइंट डालो, 3 से काट लो, 3 एक 3 कितने बचे 3 तिया
9 3 5 15 1350 गुणा 2 बराबर 2700 रुपए, बराबर कितना आ गया 2700 रुपए। तो 24 क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा टाइम में, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उन क्वेश्चनों में जो बता रखे, जो नहीं बता रखे उन्हें लेते हैं और उन क्वेश्चनों को शुरुआत कर दी है। अब हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन देने के बता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, वो कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कोई धनराशि है, यदि ब्याज की दर 1% अधिक वार्षिक होती तो उसे 240 रुपए अधिक आय होती, धनराशि बताओ भैया। 2 × 1% बराबर 240, इससे पहले वीडियो बताया, टाइम भी बता रखी है, 2% बराबर 240, तो 100% बराबर कितना 240 गुणा 100 बटे 2, 2 से कितनी बार 120 बार, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 27 भी तीसरी चौथी बार आया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, टाइप भी बता दी, इससे पहले वीडियो में बता दिया था और 21 क्वेश्चन भी इससे पहले वीडियो में कराया था, उसी के जैसा है, कर लोगे, 3-4 हो गए भाई, ठीक है, इसे ऐसे कर लीजिए जैसे आपको एग्जांपल बता रखा है, 21 क्वेश्चन बताया और आपका 27वीं का, कुछ बच्चे गए मुझे पता नहीं, हो नहीं रहा तो मैं कर ही दूं, लो टाइम तो वेस्ट होगा थोड़ा सा वगैरह। 4000 रुपए बराबर कितना है, 4000 रुपए की राशि है और टाइम कितना है हमारा, इधर है आपके R1 जो है 8% है और R2 है आपकी 10%, तो बेटा साधारण ब्याज जो है हमारा वो कितना हुआ 352 रुपए, ध्यान से समझिए 352 रुपए, तो 8% पर उसने कितना निवेश करा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करा साधारण ब्याज, मतलब यहाँ क्या ज्ञात कर लो 352 रुपए है, 1 वर्ष है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में वार्षिक ही बोल रखा होगा, वार्षिक होगा, तो ये 352 रुपए 4000 पे आते हैं तो कुछ तो दर रही होगी, 352 बराबर 4000 गुणा आर गुणा 1/100, ठीक है भैया, 2 0 से 2 0, 4 से काट लो बेटा, 4 8 32 कितना बचा आपका 3, 4 8 35 है ना, 4 8 32, तो फिर आपका 3 बचे 4 8 32, 88 बराबर 10 R, तो R बराबर आ गया 8.8, दर ऐसे भी याद कर सकते हो R1 और ये बीच की R, तो बेटा इधर रखो मतलब 8% पर और यहाँ कितना आपका 10% है और यहाँ 8.8%, क्लियर है, दोबारा से देख लो, समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। 352 रुपए ब्याज मिलते हैं 4000 रुपए पे, दर गुणा टाइम बटे 2 0 से 2 0, मैंने 4 से कटा 4 8 32 कितना बचा 3 बचे 4 8 32, तो 8 80 बटे 10 बराबर 8.8। अब आप 10 में से 8.8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8.8 घटाओगे तो 1.2 और यहाँ बचेगा आपको 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, 4 से काट लो 4 3 12 14 8, क्लियर है भाई, तो करा 8% पर उसने कुल कितना धन लिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3 और 2 5 की वैल्यू बराबर दिया हुआ है 4000 के, 3 और 2 5 की वैल्यू बराबर दिया है 4000 के, 1 की वैल्यू आओगी 800 रुपए के, वो करा 8% पर कितना दिया, इसकी वैल्यू 3 है तो 8 3 24 रुपए, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 21 करा रखा था, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे दरों का अंतर गुणा समय, ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है 27, एक है आपका एग्जांपल 7, एक क्वेश्चन है 21, एक है 27, एक है 37, तो शायद मैं 37 क्वेश्चन ना कराऊं वीडियो में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन एक से हो रहे हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, बस टाइम बचाने के लिए मुझे कुछ क्वेश्चनों को मतलब ज्यादा नहीं करा रहे, ज्यादा क्वेश्चन छुड़वा देता हूँ मैं, ठीक है भाई, करके देखियो वो आपके लिए है, 37 क्वेश्चन नहीं कराने का, ऐसे ये 27 के जैसा 21 भी करा दिया 7 भी करा दिया, तो कई क्वेश्चन एक से हो गए, 28 क्वेश्चन करा दिया इस टाइप का, फिर भी करा रहा हूँ मैं, उन्हें देख लो पहली वीडियो जो अभी इससे पहली वीडियो है,
क्वेश्चन नंबर 28, कोई धनराशि 30 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है, 30 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है, क्या ब्याज की दर रही होगी? तो आर प्रतिशत बराबर एन माइनस वन गुणा 100/t, ये फॉर्मूला याद कर लियो साधारण में, और चक्रवृद्धि में भी आएगा, वीडियो मिल जाएगी आपको अभी। 3 - 1 × 100/30, 0 से 0, आर प्रतिशत बराबर, ये आपका अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 10 ये 2 ये 20, समझ गया ना, 20/3 बराबर आ जाएगी आपकी 6 से 2/3%, 6 से 2/3%, बात समझ आ गई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको पढ़ाया जब, ठीक, मुझे ध्यान नहीं है, अब भी करा दो। वगैरह कोई धनराशि ब्याज की दर से, टाइम बराबर दिया आपका 10 वर्ष, और साधारण ब्याज मूलधन का अनुपात 2/5 हो जाता है, तो आर बताओ, आर पूछ रहा है, तो बेटा 2 = 5 × 10 × r/100, फॉर्मूले में रख लिया और कुछ नहीं करा, 10 × 100, 5 × 2 = 10, आर प्रतिशत बराबर आ गया 4%, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 मैंने अभी करा लिया, तो 28 और 29 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30 करा दिया मैं वीडियो में, 31 देखते हैं, जो करा दिया बेटा टाइप में बदल लिया था मैंने, जो जितने भी एग्जांपल थे वो पढ़ाए थे, उसके बाद आपको टाइप बताई थी, और बेटा वीडियो बनाने बड़ा टाइम लगता है, बहुत ताकत लगती है, समय भी लगता है, इसलिए पढ़ाई जा रही है कि हर बच्चे को लाभ पहुंच सके, भविष्य में उसे वीडियो देखनी हो या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं, साधारण ब्याज बेटा आरएसएल अग्रवाल बुक में शायद कोई ही एक आधा कोई चुनिंदा होगा, शायद मुझे लगता कोई यूट्यूब पे इस तरीके से मैथ को और वो भी आरएसएल अग्रवाल को इस तरीके से पढ़ा रहा हो, सबके तरीके अपने अपने होंगे, कोई बिना फीस के पढ़ा रहा है, कोई किस तरीके से पढ़ा रहा है, पर यहाँ तो एग्जाम्पल सहित वीडियो मिल रही है आपको टाइप वाइज, शायद यदि आप नहीं देख रहे तो नुकसान पहुंचा रहे हो आप अपना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हम 31 पर चलते हैं, कितने समय में किसी धनराशि के साधारण ब्याज की ब्याज दर 5% से 40% हो जाएगी, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 40% हो जाएगी, 5% से 5 = 40, तो कितने वर्ष लगेंगे, 8 वर्ष लगेंगे, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, क्लियर है, बात समझ आ गई, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़ी दर को छोटी दर से पार कर दियो। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, 32 आरएसएल अग्रवाल बुक है, प्रश्न नंबर 520 है, और आपके क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिए जाते हैं, सभी कुछ किया जा रहा है आपके लिए बेटा, बस आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, उन्हें भी पता चल जाए कि इस तरीके से भी पढ़ाई चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ रहे हैं, एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रम से 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है, एक ने 6 साल, एक ने 10 साल और एक ने 12 साल के, इसने 10% पर धन लगाया, इसने लगाया 12% पर धन, और इसने लगाया 15% पर धन, इनकी गुणा आपस में कर दो, 10 × 60% हुआ, 120% हुआ आपका, इसकी गुणा करके आएगा 12 × 15 = 180% हुआ, परसेंटेज से परसेंट, 60 / 120 / 180, ठीक है, स्पीड ज्यादा होगी, 1:2:3, उसने कुछ आगे बोला, 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, मतलब उसने अलग अलग दर अलग अलग टाइम पर धन लगा दिया और बराबर ब्याज मिले, तो मूलधनों का अनुपात क्या होगा, ये मिश्र धनों का अनुपात आएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन करोगे तो 1:1 आएगा, और वो पूछ रहे हैं हमारे से पी का, तो इसका एलसीएम ले लो 6, एलसीएम हुआ 6, 1 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 2 बार, तो मूलधन कितना हुआ हमारा, मूलधन हो गया 6, 3 और 2 के अनुपात में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 32 में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 33 आ जाएगा, उसने कहा एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 6% पर निवेशित किया, यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.50 रुपए अधिक ब्याज दे, तो 6% पर उसने कितनी राशि निवेशित की, ये हमारे से पूछ रहा है, 6% पर उसने की,
तो बेटा उसने मान लो 5% पे 10,000 में से क्या कर दिया, पी घटा दिया और वो 5% पे कर दी और टाइम गुणा एक वर्ष बटे 100 कर लो, बटे 100 कर लो। अब उसने क्या कर दिया, 10,000 रुपए की राशि थी उसमें से पी भाग उसने 6% पे और गुणा एक टाइम एक वर्ष दिया, दो गुणा एक और बटे 100 बराबर 76.50 बटे 100 कर लो इसका। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दिए भैया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए। पांच किसी में गुणा करोगे तो हो जाएगा 50,000 माइनस 5p और माइनस के हमारे हो गए आपके 6p बराबर हो गए 7,650। इसे कर ले जाओ, 50,000 माइनस 7,650 बराबर 11p। इसे घटा कर बताओ भाई मोहित, घटा जल्दी से, 50,000 में से 7,650 घटा होगा तो कितना बचेगा आपका, जीरो के जीरो 5 और यहाँ कितने बचे आपके, तीन और दो और 4 बराबर 11p। 11 से भाग करेगा, 11 × 33 क्लियर हो गया कि 33 कितने बचे, 11 × 88 11 × 55 बराबर 8,850 रुपए। तो अगर 6% पर उसने कितना दिया, 8,850 रुपए। स्क्रीन शॉट ले क्वेश्चन का जल्दी से, बहुत जल्दी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सही क्वेश्चन नंबर है आपका 13, बिल्कुल यही है, ऐसे 34 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है 35। वो कह रहा है सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6,300 रुपए उधार लिए, उसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी राशि के लिए उतनी अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सोहित को 618 का लाभ हुआ। तो कह रहा है मोहित को कितनी राशि उधार दी गई थी, उसने मोहित को कितने दी थी। तो ठीक है बेटा, मोहित ने मतलब क्या करा, 6,300 रुपए प्लस और भी कुछ भाग जोड़ दिया, उसने पी जोड़ दिया या कुछ भी जोड़ और भाग जोड़ दिया 16% पे 3 वर्ष के लिए बटे 100, ठीक है, और माइनस 6,300 रुपए की राशि 14% पर 3 साल के लिए बराबर उससे कितने 618 रुपए का लाभ हुआ। अधिक में से कम घटाओगे तभी तो लाभ बचेगा, तो लाभ हो गया बेटा। अब यहाँ 100 है और यहाँ 100 इस जीरो से जीरो गया, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 और 3 कॉमन लिया, कॉमन लेकर काट दो, 3 × 2 = 0 और 3 × 6 = 18। अब इसे बेटा किससे काट लो, 4 से काट लो और संख्या को कटे, 4 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार, 4 के अंदर गुणा कर दो, 4p प्लस 0, 0 4 के 12 का 2 का और 4 6 24 और 1 25 बटे 25 माइनस, हमें क्या करना है 63 × 14 बराबर 206। तो इनकी गुणा कर लो बेटा, 63 × 14 बचे यहाँ तो और सारा कॉमन आ गया, तो इसकी गुणा कर लो, ऐसी कर लो, 14 × 42 का 2 का और 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84 और 4 कितना हुआ 88, बात समझ आ गई, 882 बराबर इतना। तो इसे उधर ले जाओ, 25,200 प्लस 4p बटे 25 बराबर 206 प्लस 882। तो बेटा इसे जोड़ रहे होंगे तो पहले इसे कर लो, 25,200 प्लस 4p बराबर, इसे जोड़ो आप 6 और 2 = 8, 8 और यहां हो गए 6 × 8 = 10 × 25, क्लियर बेटा। तो 25,200 प्लस 4p बराबर
25 किस में गुणा कर सकते 200 की जीरो, 25 अट्टे 200 और 20, 25 अट्टे 200 20 और 25 और दो 27, 25,200, 27,200 में से घटाओगे तो 4p बराबर आओगे 2000 और p बराबर आ गए 500 रुपए। तो उसने इसे 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो उसे दिया कितना 6300 प्लस 500 बराबर 6300 और 500 जोड़ोगे 6800 रुपए। क्लियर है, बात समझ आ रही है, चैप्टर भी खत्म हो रहा है और मार्क करो मैं थिंक भी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़ लिया, 5 छोड़ दो, 5 कर लोगे आप? नहीं भाई, कोई लसुन चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है। 5 ही क्वेश्चन बचे भैया, 40 क्वेश्चन है, 41 है, एक आधा मैंने इसमें करा रखा अभी बीच में से, तो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, टेंशन ना ले लो बिल्कुल भी। देखो फिर पहले बोल दिया था जो आपका 36 क्वेश्चन है, इस टाइप के मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए आपको करके, और हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या रहा है 36 का, जिस पर आर एस अग्रवाल बुक है सही है, नहीं तो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लो, 36 स्क्रीन पर लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 मैंने बता दिया, 27 भी बताया, 21 बताया, एग्जाम्पल 7 बताया, तो इस टाइप का क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए क्वेश्चन नंबर 37 का, और ये 36 और 37 क्वेश्चन स्क्रीन पे होंगे। ठीक है, आपको देख के और जवाब देना होगा इनका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, टाइप नंबर 9 में मैंने बता दिया था, फिर भी बता रहा हूं भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। 38 कह रहा है साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 का ऋण को निपटाने के लिए कितने वार्षिक भुगतान करना होगा। तो माना प्रत्येक किस्त कितने की है, 100 रुपए की है, तो पहली 100 की दर कितनी 4%, तो 104 और फिर 108 ऐसे जोड़ दो, 8 4 12 का 2 का और ये 312, 4 वर्ष है भाई, गलत हो गए, 3 वर्ष ही 4 वर्ष, तो 112 दिया होगा, 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 10 14 का 4 का, और ये हुआ आपका 2 1 हासिल था, और ये हुआ 424। ठीक है भैया, वो कह रहा है 848 के ऋण को निपटा रहा हूं, तो 848/424×100, तो इससे काट लो बेटा कितनी बार कटा, 2 बार, बराबर 200। तो प्रत्येक किस्त जो थी वो 100 रुपए नहीं थी, माननी है वो कितनी थी, 200। क्लियर है, यदि वो 200 200 चार साल में 200 200 रुपए दे, तो 200×4 बराबर 800, 48 रुपए कहां से एक्स्ट्रा है, 48 रुपए 4% हर साल जो दिया दिया जा रहा है इस पे एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 39 चलता हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, ये टाइम मैंने बता भी दी थी, ये क्वेश्चन नहीं बताया था और बता दिया पहली वीडियो में भैया, इस साइड बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। ए ने बी को, क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, ध्यान से समझना, ए ने बी को 1.5 वर्ष बाद 1573 देने हैं, तथा बी को ए के 6 महीने बाद 1444.50 रुपए देने हैं, यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो, अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो, तो कितने रुपए देने होंगे। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, इसे करेंगे थोड़ा सा अलग, एक फॉर्मूला बताऊंगा इसमें, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वो कह रहा है तत्काल धन धन बराबर देय धन गुणा 100/100+RT, यदि शायद क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कर दियो। ठीक है भाई, तो ए जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है हमारा 1573 रुपए, 1573×100/100+, दर कितनी है हमारी, दर है इस क्वेश्चन में 14%, 14 का 7/2 नहीं 3/2, 1.5 मतलब 1 1 से 1/2, तो 3/2, तो
दो से काट लो बेटे, कितनी बार कटेगा ये? दो से कटेगा ये 7 बार, 7 × 3 = 21, 1573 / 121 बेटे से भाग करियो। अब वो बी के लिए बात करवा रहा है, बी के लिए भी कह रहा है हमारे से, वो बी के लिए कह रहा है 6000 रुपए 6 वर्ष बाद, 6 माह बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो 1400 इसे कर लियो, 1444.50 × 100 / कितना आया? 1300। अब क्या जाएगा? 1350। ठीक है, मैंने इसलिए भाग करा है क्योंकि बच्चा जो ऑफलाइन भी ऑनलाइन देखेगा तो कर लेगा कि ये क्या बताया जा रहा है। ठीक है भाई, और यहाँ क्या है इसमें कह रहा है भैया हमारे से कि 6 महीने और 14% है, तो महीने की ये बदलेगी तो इसे काट देंगे 2 बार, 2 से कटेगा 7 बार, 107। इसे पॉइंट से 2 पॉइंट हटाओगे और आपका ये बचेगा 14 44 50 / 107, 100 और 7 काट के कितना आ रहा भाई? 1350। तो उसे तत्काल भुगतान कितना करना पड़ेगा? तत्काल भुगतान करना पड़ेगा बेटा 50 रुपए का। ठीक है, तो तत्काल भुगतान कितना करना पड़ेगा? 50 रुपए का। क्लियर है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और 41, दो बचे, 4 वीडियो में 7-8 ब्याज एग्जाम्पल सहित अभी तक किसे नहीं पढ़ाया, नकल कोई भी कर सकता है, अभी तक नहीं पढ़ाया भाई, आज की डेट तक देख लियो किसी ने साधारण ब्याज के एग्जाम्पल, और मतलब साधारण ये नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस के लिए जो 40 वीडियो बेटा आपके लिए पूरी मेहनत से तन मन धन समर्पित करके जो पढ़ाई जा रही है उनमें ध्यान रख के आपको पढ़ना होगा, जो भाई दिल्ली पुलिस वाला जुड़ा हुआ है। और उन भाइयों को बता दो कि एक चैनल और आ गया सिविल अकेडमी के नाम से, और कैसा पढ़ाया जा रहा है वो आप भी बता सकते हो, और यदि हम बुरा पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक पढ़ा रहे तभी बताइए और अच्छा पढ़ा रहे तभी बताइए प्लीज, बड़ाई हमारी मत करो प्लीज, कुछ बच्चे ज्यादा कर देते हैं बिंदास पता नहीं क्या क्या कुछ, ऐसा मत करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं, जैसे सच्चाई है वो बता दो बिल्कुल। क्लियर, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष पर 6% रही और 3 वर्ष पर 9% रही, कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। तो 9 में 2 ए गए 3 ए गए 5 गए तो 4 बचे, ये 4 14% पर रही और उसने 11400 रुपए ब्याज दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार दिया, कुल कितना धन उधार दिया। ठीक है बेटा, 9 साल है टाइम, पूरे 9 साल है, पहले उसने क्या करा दोबारा से समझ लो, 2 साल 6% पर काम चलाया, फिर उसने कहा भाई अब काम नहीं चलता 6% पर, अब मैं 9% करता हूँ 3 साल के लिए, उसने कहा ठीक है भाई तू 3 साल कर दे, उसने कहा भाई अब काम नहीं चल रहा है, अब मैं 14% पर लूंगा, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो उसने उसे ब्याज जो दिया वो कितना दिया? 11400 रुपए, तो 6 × 12 = 29 27 + 14 = 56 = 11400 रुपए, जोड़ क्या होगा? 95% = 11400 रुपए, तो 100% = 11400 × 100/95 = 12000 काट लीजिए भाई, कितना होगा? 12000। बात समझ आ गई? क्लियर है, 12000 रुपए लिए और इतने साल में 9 साल में अलग अलग दरों को उसने कितना धन दिया? 11400 रुपए ब्याज के रूप में दिए। क्वेश्चन नंबर 41 साधारण ब्याज खत्म होता है इसी वीडियो में, 4 वीडियो में बेहतरीन तरीके से दिया है, हो सकता है आज इस वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो, मार्क सही नहीं चल रहे तो इसे तो आप मुझे पता है माफ कर दोगे मुझे। ठीक है भाई, जब मैं वीडियो बनाने लग जाऊं रुकता हूं नहीं, जैसा भी है बस पढ़ना कर दूं काम, कुछ ज्यादा ही बड़ी दिक्कत आ जाए तो वीडियो रोकनी पड़े, नहीं तो एडिट भी नहीं मैं ऐसे ही करा दो भाई तू रहन दे। इससे पहले में देखा होगा आपने कि मार करोगे बच्चे इंगेर है, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ लो, आपका भला हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहा है किसी समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का ब्याज y रुपए है, फॉर्मूला बड़ा साधारण ब्याज बराबर PRT/100 इसी पे आधारित है।
वाई रुपए ब्याज है, एक्स रुपए का आर टी बराबर है बटे 100। बात समझ आई? बात समझ आई होगी आपके कि मैं क्या बता रहा हूं, जो दिया हुआ है वो। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर अगला कह रहा है वाई रुपए का, वाई उधर है, जेड है, ब्याज जेड है, वाई रुपए का गुणा आर टी बटे 100। आर टी बटे 100 कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बेटा? बहुत आसान सही है, बहुत बढ़िया है। हमें क्या करना होगा, अब इसमें कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो यहां से आर टी और आर टी कॉमन दे रहा है, तो इसे ऐसे भी तो कर सकते हो आप। आर टी कॉमन आ रहा है, 100 गुणा वाई बटे एक्स बराबर आर टी, इसके बराबर। और यहां आर टी जो आ जाएगा, या आप 100 बटे आर टी एक साथ रख सकते हो, तो 100 कट भी जाएगा। आगे कहता हूं आपका जेड गुणा 100 बटे वाई बराबर आर टी। इन्हें बराबर रख लो, इधर कर दो, इन्हें बराबर रख लो, तो जेड गुणा 100 बटे y बराबर 100 गुणा y बटे x। आर टी बराबर रख लिया, 100 से 100 गया, और ये हो गया आपका y से y ना जाने की जेड x बराबर y स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर जेड x, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, जो दिया उसे डायरेक्ट कर देता कि आर टी समान है, तो दोनों y बराबर क्या करता, x करता, z बराबर y करता, दोनों की क्या कर देता, क्रॉस मल्टी क्रॉस गुणा कर देता, तो कितना आ जाता y स्क्वायर बराबर z x आया। तो मैंने करके बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 41। इसी वीडियो में आपका साधारण ब्याज खत्म होता है, और उसके बाद का टॉपिक है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वीडियो में सारा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दूंगा। एक मैं एग्जाम्पल, सारे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें 11 एग्जाम्पल है, टाइप में बदल दूंगा उन्हें सारों को, 11 के 11 की। एक एग्जाम्पल 2 बार आया हुआ है, और 31 या 32 क्वेश्चन है। 2 वीडियो में सारा जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर दूंगा, तो इससे बाद में मेंसुरेशन चलेगी।